हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले लिए हैं सूजी, मूंगफली। मूंगफली को हमने पहले ही फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जीरा और राई, पानी, नमक स्वादानुसार। साथ में हम लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है मटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च एक, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता और एक नींबू। नींबू ऑप्शनल है। तो हमने सारी सब्जियों को पहले से ही कट कर लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया है पैन। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। पैन गर्म हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम में सूजी को 4-5 मिनट भूज लेंगे। तो इसको हम धीरे धीरे करके भून लेते हैं। तो ये देखिए सूजी भुन गई है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम अब गैस बंद कर देते हैं, सूजी अलग कर लेते हैं। ये सूजी हमने निकाल ली है। वही उसी पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। गैस ऑन कर दिया हमने। तो हमने ये डाल दिया तेल, थोड़ा तेल गरम हो जाएगा। तेल गरम हो गया तो ये आधा चम्मच हमने जीरा लिया था और आधा चम्मच राई, इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा चटक जाने देते हैं। तो इसमें चटकने की आवाज आने लगी है, तो इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। ये भुग गया तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज। आप अपने मनपसंद वेजिटेबल इसको बनाने में यूज कर सकते हैं। तीन से चार मिनट तक भून लेंगे। तीन से चार मिनट हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर और शिमला मिर्च और इनको भी 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इनको भी अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में लगभग ये पक गए। हम एक बार ऐसे गाजर को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये अलग हो जा रही, तो ये पक गया। अब इसमें हम डाल देते हैं मटर और बस इसको हम 1 मिनट तक पका लेंगे। हमें सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। तो सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार नमक। तो लगभग हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज करिए। इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं पानी। हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो लगभग जिस कटोरी में 1 कटोरी सूजी ली थी उसी में 3 कटोरी पानी डाल दिए। अब इसको अच्छे से पक जाने देते हैं और इसी में डाल देते हैं। हमने लिया है आधा नींबू का रस, तो हम इसी में डाल देंगे ये आधा नींबू का रस और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है अच्छे से। हमको ऐसे ही चलाते रहना जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। सारी वेजिटेबल्स पहले से ही पकी हुई हैं, तो बस इस थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए हम इसको बंद कर देंगे। तो ये पक गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये तली हुई थोड़ी सी मूंगफली।
और इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब ये बनके तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर कलरफुल दिख रहा है और खाने में टेस्टी तो रहता है, साथ में इतनी सारी वेजिटेबल्स रहती हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहता है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये हम इसे एक बाउल में निकाल लिए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, एकदम अलग अलग है और सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स है और ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा। तो ये देखिए बनके अच्छे से रेडी हो गया है सूजी का उपमा या रवा का उपमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। एक बार अपने घर में ट्राई करिए और इसका स्वाद लीजिए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।